अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग लाइफस्टाइल विद सोफिया। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आप जो है, मैं फ्राइज़ को फ्राई करने लगी हूँ और मैंने निकाल लिया और ये ऑयल गरम होने रख दिया है मैंने। अब हो रहा है ऑयल गरम, तब तक ज़रा मैंने निकाल दिया ज़रा ये जो, क्योंकि मैंने इनको फ्रीज़र में रखा हुआ था और अभी देखे ना ज़रा हुए में ऐसे हुए में, तो जैसे ही थोड़ा सा खुल जाते हैं तो तब तक ज़रा ऑयल भी गर्म हो जाएगा। हमने इतना ऑयल गर्म नहीं करना, नॉर्मली रखना, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मली हो। तभी हो रहा है तो अभी जैसे ऑयल गर्म होता है, जैसे डालने लगूँगी तब मैं आपसे लूँगी। तो जी हमारा ऑयल गर्म हो गया और मैं इसको डाल देती हूँ। मैं डालती हूँ फिर आपसे लेती हूँ। तो दिया मैंने इसको डाल दिया है और इनको हमने छेड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, वरना ये जो इनका ये जो ऊपर लगाया मैंने कॉन्सलर तो ये उतर जाएगा, तो हमें छेड़ना नहीं है। थोड़ी देर बाद छेड़ेंगे और फिर जैसे ही थोड़े से जैसे ही रेड होते हैं फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो जी ज़रा मैं हल्का सा इसको छेड़ूँगी, हल्का सा, ठीक है, थोड़ी सी साइज चेंज करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बस मैंने इसको हिलाया है और पीछे से मेरा भाई जो कह रहा है फ्राइज बन जाएंगे, आपको आवाज़ें आ ही रही होंगी। तो जी मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं कि बनेंगे। आपने मेरे नेक्स्ट जो पहला व्लॉग था जिसमें मैंने आपको रेसिपी बताई थी, आपने उसमें बताना कि आपको रेसिपी कैसी लगी, ट्राई लाजमी करिएगा, बहुत ईजी रेसिपी है। मुझे तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, अब जैसे बनेंगे तो फिर ही मैं आपको दिखा सकूँगी। और मौसम तो बहुत अच्छा है लेकिन अब ज़रा धूप निकल आई है, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी तो पानी रात भी हुई थी और हमारे कपड़े पीछे पड़े हुए थे, सारे भीग गए हैं। लेकिन अब काम वाली आई थी, सारा कर तो चली गई है। ये देखिए अब मैंने इनको नहीं छेड़ना, जैसे ही रेड होएंगे तब मैं इनको निकालूँगी। और आपने इनको उस तरह का नहीं करना, फुल रेड जिस तरह होते नहीं है, सिंपल हम फ्राइज खाते हैं, हमने उतना करना है, इनको वाइट रखना है, हमने इनको इतना ब्राउन नहीं करना, लेकिन हो के क्रिस्पी हैं, कच्चे नहीं हमने डाल देना। तो जी आप जब थोड़ी देर में मेरा व्लॉग अपलोड हो जाएगा फिर आपने मुझे थोड़ी देर में फिर आप मुझे बताइएगा ट्राई करके कि किस किस ने ये फ्राइज़ बनाए हैं और उनको ये कैसे लगी है ये रेसिपी। बस होने लगे हैं, बल्कि हो ही गए हैं, जो थोड़े वाइट वाइट हैं ना ये हो जाएँ फिर मैं निकाल लूँगी। ठीक है, तब तक मैं ज़रा चाट मसाला निकाल लेती हूँ। तो हम लोग शान का चाट मसाला यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा होता है। मैंने ये डब्बे में डाल के तो मैंने इस पर सुराख कर लिया, तो ज़रा ईजी रहता है। तो जी बस अब मैंने निकालने लगी हूँ। क्योंकि इस तरह के ही खाए जाते हैं, वो मैंने आपको बताया ना, वो जो फुल ब्राउन होते हैं वो नहीं खाए जाते। तो जी ये ज़रा वो उसका बुरा आ गया थोड़ा सा ज़रा कॉर्नफ्लोर का, तो इससे आपको ऐसा लग रहा होगा। अच्छा अब मैं इस पर स्प्रिंकल करने लगी हूँ चाट मसाला। तो ये देखिए हमारे फ्राइज रेडी हो गए हैं और अब मैं टेस्ट करती हूँ फिर बताती हूँ। यम्मी, बहुत मज़े के बने हैं। तो आप लोग भी टेस्ट करके बताइएगा, मैं आपसे मिलकर अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।